हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सीआरपीएफ दीवान आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फाइनली जो है एसएससी जीडी का जो है मेडिकल आने वाला है, इसमें जो है कुछ वक्त जो है बचा हुआ है। इस मेडिकल के दौरान जो है आप लोगों का किन किन डॉक्यूमेंट का जो है आपको प्रयोजन होगा, किन किन डॉक्यूमेंट का जो है आप इसमें लेके जाना होगा। कई सारे कैंडिडेट को नहीं पता है कि किन किन डॉक्यूमेंट का जो है आपको लेके जाना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट जो है बनवाना होगा नए से। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जो है आप बने रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा था, यानी जब से आपने अप्लाई किया था, तब आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट का जो है आपने इस्तेमाल किया था, जिन जिन डॉक्यूमेंट जो है आपने अप्लाई करते वक्त दिया था, उन सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको दोबारा लेके जाना होगा। उनका जो है दोबारा रीचेक होगा, रीवेरिफिकेशन होगा, यानी आपको मेडिकल का वक्त जो है उसको आपको लेके जाना होगा। उसमें जो है आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप जिन जिन कैंडिडेट जो है ST SC और OBC से जो है बिलोंग करते हैं, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लेके जाना जरूरी है। आप चेक कीजिए, अगर सेंट्रल लेवल का आपका नहीं बनवाया है तो आप उसको बनवा लें, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। और आपका जो है कैंडिडेट, जिन जिन कैंडिडेट जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है Annexure 8 यानी हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन के लिए जो है एक फॉर्म Annexure 8 निकला हुआ था, जो SSC ने ऑफिशियल तौर पर जो है इसको दे दिया था। तो इसको जो है आप बनवा कर लेके जाइए। कुछ इस तरह से जो है आपका होगा Annexure 8, जो जिसमें जो है दाहिनी ओर जो है DC का जो है हस्ताक्षर किया होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो इसको जो है आप बनवा के लेके जाइए। अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा के इसको लेके जाइए। इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवश्यक है। और रही बात आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का जो है आपका रेसिडेंशियल जो है आपका सर्टिफिकेट होगा, जो DC का हस्ताक्षर द्वारा जो है अप्रूव किया गया होगा। कुछ इस तरह से जो है आपका होगा, यहाँ जो आपका DC जो हस्ताक्षर किया हुआ होगा और आपका जो यहाँ लिखा होगा रेसिडेंशियल जो है सर्टिफिकेट, यहाँ जो है आपका फ़ोटो होगा। तो इसको जो आप लेके जाइए। और रही बात आपका इसमें जो फ़ोटो कॉपी, तो आप कम से कम जो है 15 फ़ोटो कॉपी जो है आप इसको इसमें जो है लेके जाइए मेडिकल में। तो इसका जो है आपका प्रयोग होगा वहाँ पर, तो आप कहीं भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 15 से कम कॉपी आप फोटो मत लेके जाइए। तो रही बात आपका जो अन्य डॉक्यूमेंट, जैसे आपका NCC सर्टिफिकेट है तो आप अपना NCC सर्टिफिकेट यहाँ आप लेके जा सकते हैं। NCC B है तो आप NCC B सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और NCC A है तो आप NCC A सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं। NCC C सर्टिफिकेट आपका जो है 5 मार्क है, जो आपका जो है फाइनल मेरिट में जो है आपको इसमें 8 कर दिया जाएगा। और आपका जो है NCC B सर्टिफिकेट, जिसमें जो आपका 3 मार्क आपको दिया जाएगा। और NCC जो है A सर्टिफिकेट जो है आपका 2 मार्क दिया जाएगा। तो इन सारे बातों को जो है आप ध्यान से सुनिए। और आप जो इसमें जो है अगर किसी भी डॉक्यूमेंट जो है आपका नहीं है, तो आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा के जो आप लेके जा सकते हैं। और रही बात कोई कोई जो है कैंडिडेट्स का जो है नाम में गड़बड़ी है, यानी उनका डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भरते वक्त जो है उन्होंने दिया था सपोज मनीष कुमार यादव, और उनका रियल नाम है मनीष कुमार, तो इसको जो है आप सुधार सकते हैं। यानी इसमें जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपका सारे डॉक्यूमेंट में जो है मनीष कुमार होना जरूरी है। यानी एग्जांपल के तौर पर जो मैं दे रहा हूँ मनीष कुमार यादव का, तो उन्होंने जो है मनीष कुमार यादव ने फॉर्म भरते वक्त मनीष कुमार यादव दिया है, और उनका जो एक्चुअल में जो सारे डॉक्यूमेंट में जो है मनीष कुमार लिखा हुआ है। तो इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका सारे डॉक्यूमेंट में जो है जो नाम है वही जो है आपका फाइनल में होगा। तो इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपना सही डॉक्यूमेंट जो है आप जमा कर दीजिए। इसमें जो है आपका कोई परेशानी नहीं आएगा। और कहीं कहीं कैंडिडेट्स का जो है अपने डॉक्यूमेंट में तो मम्मी पापा का नाम सही है, यानी अपना जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो अपने मम्मी पापा का नाम सही है, यानी अपना पेरेंट्स का नाम जो है सही है, लेकिन अपना पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में जो उनका नाम जो है अलग है। तो इसमें जो है आप परेशानी नहीं है, क्योंकि आप एफिडेविट बनवा के आप लेके जा सकते हैं। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स का जो है नाम आप उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका जो है पेरेंट्स जॉब होल्डर है तो उनका जो है नाम चेंज करना काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि उनका नाम एक्चुअल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट में जो है उन्हीं का नाम अलग दिया है और आपको आपके डॉक्यूमेंट में जो है अलग नाम है, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप कोर्ट एफिडेविट जो है बनवा कर लेके जाइए अपने मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो इसमें जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी तरह का आपका सख्त सवाल है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा और उसका सोल्यूशन जो है मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए जय हिंद।